तो दोस्तों ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये कोई पेरोल स्कूटर नहीं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन इसका लुक जो है आपको पेरोल जैसा देखने को मिल जाएगा। तो यह रॉल्फिन का इलेक्ट्रिक स्कूटर दोस्तों, जैसे कि फोन से लुक का देख सकते हो। जैसे फोन के डिजाइन से बात की जाए तो फोन में आपको क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत LED प्रोवाइड करती है। हालांकि इसका टर्न इंडिकेटर वो आपको बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको चाबी ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ, इसका जो इंडिकेटर है आपको बल्ब वाला देखने को मिल जाएगा, कोई भी LED आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगा। अगर इसे हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट भी आपको LED देखने को मिल जाएगा, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हेडलाइट है वो भी LED है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे जो स्कूटर है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे इसका लुक जो है आपको बैटरी की तरफ देखने को नहीं मिलेगा, आप जैसे कि पेट्रोल स्कूटर होती है उसी प्रकार लुक आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी बहुत LED प्रोवाइड करती है दोस्तों, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं उसके बाद इस प्रकार आपको लाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट की मार्कर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मेटल का फ्रंट का मार्कर देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो अगर टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे इसका टायर जो है वो आपको 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यानी 90-90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो एलॉय रिम का डिजाइन है आपको डायमंड कट एलॉय रिम देखने को मिल जाएगा। इसके जो फोन का सस्पेंसर है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। इसके आगे रबर का आपको गार्ड देखने को मिलता है, इसका क्या होता है धूल मिट्टी सुखा के अंदर ना जाए, इसका सील बहुत ही आसानी से ना कट जाए, इस प्रकार डिजाइन दिया गया दोस्तों। यहाँ पे आर का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप साफ से देख सकते हो आर का ब्रांडिंग। ये जो पावर आप देख रहे हो एक स्कूटर का मॉडल का नेम है दोस्तों। देख सकते हो फोन में आपको काफ़ी अच्छी साइज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 224 शायद होगा, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ABS देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो फ्रंट का जो मार्कर है आपको कुछ इस सेम में देखने को मिल जाएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। इसका क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगे, इसको का देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर मेटल कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल मेटल कंसोल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बैटरी चार्ज भी आपको बताएगा, यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको किलोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिमीटर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्पीडोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपर डिपर साइड टर्न इंडिकेटर, ये अपर डिपर लेफ्ट राइट इंडिकेटर, ये हेडलाइट ऑन ऑफ का सुविधा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर हेडलाइट मैं ऑन करता हूँ तो इस प्रकार यहाँ पे ब्लिंक करता है दोस्तों। अगर स्विच कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पावर का ऑन ऑफ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सेट का मोड देखने को मिलता है, यहाँ पे रिवर्स और ड्राइव मोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ सुविधा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। तो अगर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वेब की देखने को मिल जाएगा, दोनों की आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो दो आपको इस प्रकार रिमोट बटन देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी है। अगर आप की कैरी नहीं कर सकते तो इस प्रकार जो रिमोट है कैरी कर सकते हो। जैसे इस की को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो अगर इसके फ्लो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप फ्लो है आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा सामान आप आसानी से कैरी कर सकते हो, ऐसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक हुब भी प्रोवाइड करती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी सामान आप यहाँ पे टांग सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेटल कंसोल मैंने आपको दिखाई थी सारी चीज़। अगर सीट की बात की जाए तो सीट आपको लंबी कुशनिंग के साथ देखने को मिल जाएगी, इसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको बूट पेज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जो छोटा जो हाफ हेलमेट आती है वहाँ पे मुश्किल से बैठ सकती है दोस्तों, या बहुत ज़्यादा पेस नहीं है। यहाँ पे आपको सेफ्टी के मामले में एक NPS आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है तो जैसे आप यहाँ पे डाउन करते हो उसके बाद दोस्तों इस स्कूटर जो आप बैटरी जो है आपको बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। गैप हैंडल जो है यहाँ पे आपको इस प्रकार सिल्वर से में देखने को मिल जाएगा, हालांकि ये मेटल तो नहीं है लेकिन सिल्वर से में काफ़ी अच्छी फिनिश साथ देखने को मिल जाएगा। अगर रियल की टेल लाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बाल वाला टेल लाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डिजाइन जो है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, कार जैसे आपको डिजाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नंबर प्लेट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर स्कूटर की हाफ मोटर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगा, यानी डायमंड कट एलॉय रिम की जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलने को लगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो एलॉय का डिजाइन है काफ़ी अच्छी है दोस्तों, यानी जो हाफ मोटर है इसका डिजाइन काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इसके टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको 90-90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 12 इंच व्हील आपको रेड फ्रंट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर मोटर की बात की जाए पार की तो लगभग आपको 1200 वाट का हाफ मोटर देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और ये का सस्पेंस आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो दोस्तों दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छी है। और ये के जो ब्रेक है दोस्तों यहाँ पे आपको डाम ब्रेक देखने को मिलता है, कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, फोन में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड के साथ साथ बाइक आती है। ये जो फुटरेस्ट है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप इस प्रकार
निकालते हो नहीं निकलेगा दोस्तों। जैसे आप इसको का प्रेस करते हो ये निकल जाएगा, यानी बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का आपको सिल्वर सेम में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इसको का यहाँ पे बंद कर सकते हो और दोबारा से प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।